हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनरैप में। गाइस, मैंने ऑनलाइन एक एंड्रॉयड टीवी परचेस किया था जो कि एक हफ्ते में हमको मेरे घर पे आ गया है, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है क्योंकि उस पर बहुत अच्छी डील चल रही थी। इसकी MRP गाइस 49,999 रुपया है, और इसमें बहुत अच्छा ऑफर था, प्लस मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था उस पर भी ऑफर था। दोनों का मिला के हमको केवल 29,999 रुपये मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी डील हमको लग रही थी, तो मैंने परचेस कर लिया है। इसमें तो गाइस बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शन इसमें शो कर रहे थे, तो चलिए आज देखेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है और इसलिए वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसका ऑडियो कितना अच्छा है, सब कुछ चेक करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर देख पा रहे हो तो इतना बड़ा बॉक्स मिला है हमको, काफ़ी बड़ा लग रहा है देख के। और इस पर आप पहली नज़र में देखेंगे तो वन प्लस एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ है गूगल, ओके गूगल के सपोर्ट के साथ। और इसका सीरीज जो है वन प्लस यू सीरीज करके है, और इसका जो साइज़ देख पा रहे हैं 1.26 मीटर यानी 50 इंच का लगभग है। डिज़ाइन बाय वन प्लस। गाइस आप देख पा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ 4K Ultra HD, यानी ये 4K Ultra HD फुल सपोर्ट करेगा आपका। एक गामा इंजन पे वर्क करता है। स्पीक नाउ का फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है, यानी कि आप कुछ भी बोल के इसे ऑपरेट कर सकते हैं अपना टीवी। ये बिल्कुल ओके गूगल की तरह ही होता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन प्ले है और HDR+। और गाइस ये देख सबसे ज़रूरी चीज़ देखने वाली बात यह है, HDR10+ सर्टिफाइड है। इसी की वजह से हमको 2-3 हज़ार महंगा पड़ा है ये सेम टीवी, और थोड़ा सा कुछ मतलब फ़र्क नहीं था, बस ये HDR10+ सपोर्ट नहीं था, तो 2 हज़ार हमको सस्ता पड़ा था। इसमें क्या होता है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी बन के आती है आपको, और देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ गाइस, इसमें स्पीकर की क्वालिटी दी हुई है, को ट्यून विथ DynAudio। गाइस क्रोमकास्ट तो सभी स्मार्ट टीवी में होता है, इसमें भी दिया हुआ है। इसका फ्रंट का था, और इस पे बैक पे भी देख लेते हैं बैक पे क्या क्या दिया हुआ है। गाइस देख पा रहे हो तो टीवी की लंबाई मेरी इतनी बराबर है, काफ़ी बड़ा टीवी है, अगर आप लगा देंगे तो पूरे रूम में आपका केवल टीवी ही दिखने वाला है। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो, जो फ्रंट पे था उसी लगभग वही सब पीछे भी दिया हुआ है। इसमें कुछ बस थोड़ा बहुत इसका पीछे का बनाया हुआ है लुक्स जो है जिस तरह से दीवार में लगेगा। और इसके साइड में देख लेते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में और भी कुछ जानकारी दी हुई है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है वन प्लस टीवी यू सीरीज, ये यू सीरीज का ही 50 मॉडल है US। इसका जेनेरिक नेम LED TV, और इसका प्रोडक्ट मॉडल जो है 50UC1A00। पावर कंज्यूमशन 140 वाट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी साइज की वजह से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका LED पैनल बहुत बड़ा है, इस वजह से इतना ज़्यादा है। अगर इसका MRP देख पा रहे हो, देखिए 49,999 रुपया है, और ये हमको 29,999 रुपया सब कुछ डिस्काउंट करके मिला है हमको, तो काफ़ी अच्छी डील चल रही थी, मैंने ले लिया है। और इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, ग्रॉस वेट 9.7 kg है और फुल वेट इसका 15.3 kg है। इसका डायमेंशन गाइस देख सकते हैं 1.11 m × 7.2 cm × 70.1 cm दिया हुआ है। और तो इसमें आपको बस यही देखना है कि 50 इंच का टीवी है, और उससे तो कोई मतलब होता नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं गाइस क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको टेलीविज़न सेट मिलेगा, जो कि टीवी को ही बोलते हैं, और 2 बैटरी दी हुई है AAA साइज की। इसमें 2 स्टैंड दिया हुआ है, जो टेबल पर सेट होता है या कहीं पर भी रख सकते हैं, और 4 स्क्रू दिया हुआ है, और एक पावर कोड है, यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, और एक एडाप्टर दिया हुआ है, और रिमोट कंट्रोल भी है इसमें। इसमें गाइस वॉल माउंट ब्रैकेट इसी बॉक्स में ही दिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी मंगाया था, LG का था, वो 32 इंच का स्मार्ट टीवी वो भी था, लेकिन उसका ये जो वॉल ब्रैकेट है वो बाद में आया था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मिलने में, हमको 10-15 दिन और वेट करना पड़ा था। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि दोनों साथ में मिला है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर इसका क्या क्या रखा हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। बहुत अच्छे से गाइस पैक करके, और फ्लिपकार्ट की खुद की गाड़ी जो है ई कार्ट करके, जो खुद का उसका कोरियर सर्विस है, उसी गाड़ी से ये आया है, तो टूटा उटा तो नहीं है बाहर से। अंदर देखते हैं कि कैसा, इसमें पैकिंग तो अच्छी लग रही है।
अच्छे से इसने तफ्ती वफ्ती लगा के अच्छे से पैक किया हुआ है, ऊपर थर्माकोल है। सबसे पहले आपको देखिए इसमें एक्सेसरीज मिल जाएगा, इसको निकाल के साइड रखते हैं, अभी देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका स्टैंड है, वॉल स्टैंड है, वॉल स्टैंड हो ना? नहीं, टेबल स्टैंड। देखिए गाइस, ये आपका टेबल स्टैंड दिया हुआ है, तो है भी तो है, सही है, मेटल का लग रहा है, प्लास्टिक नहीं है। इसका थर्माकोल निकालते हैं, उसके बाद ही टीवी निकलेगा। इसमें और भी कुछ दिया हुआ, पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये वॉल माउंट जो है स्टैंड है, जो कि दीवार में सेट होगा। गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि इसका इंस्टॉलेशन भी फ्री है, जो कि कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये जो वॉल माउंट है, यही आके उनको सेट करके दिखाएंगे और डेमो भी देंगे, तो डेमो तो मैं खुद से ही कर सकता हूँ। तो चलिए इसको भी साइड रखते हैं। तो गाइस चलिए इसको थर्माकोल को निकाल लेते हैं। पहले काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भारी भी है, बहुत सावधानी से निकालिएगा गाइस, क्योंकि बहुत बड़ी टीवी है, नहीं निकल पाएगा। किसी को बुलाते हैं, अरमान आओ थोड़ा हेल्प कराओ, एक मिनट, चलो निकालते हैं इसको। इस पे रखो, टेबल पे रखते हैं इसको, छोड़ दो। गाइस देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद निकला है, क्योंकि बहुत भारी था और ये काफ़ी बड़ा है। देखिए इतना बड़ा टीवी है, मेरे पूरे हाथ फैलाने पे भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा टर्न करके आपको दिखाते हैं। गाइस इसमें अच्छे से पॉलिथीन भी लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं, और एक दफ्ती भी लगा के इसमें टाइट किया है कि इसका स्क्रीन जो है टूटे ना डिलीवरी के टाइम, क्योंकि ये शिपिंग में होता है, सब उठा उठा के फेंकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। गाइस इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है इस सीट को हम निकालना नहीं है, ये कंपनी वाले जब आएंगे इस टीवी इंस्टॉल करने तो वही निकालेंगे, लेकिन मैं अपने डिस्प्ले को निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। गाइस आप देख पा रहे हो इसका बैक पैनल है, जिसमें सारे पोर्ट इस पीछे ही दिया हुआ है। गाइस इसमें देखिए ए वी इन दिया हुआ है, एक एंटीना दिया हुआ है डिश विश लगाने के लिए आपका। इसमें यूएसबी का दो पोर्ट दिया हुआ है, इसमें आप यूएसबी यानी पेन ड्राइव लगा सकते हैं या यूएसबी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। गाइस इसमें देखिए एचडीएमआई के 3 पोर्ट दिए हुए हैं। तो गाइस इसमें देख पा रहे हो आपका इथरनेट भी दिया हुआ है, और इधर साइड में देखेंगे तो पावर अडैप्टर यहाँ पर लगाने के लिए दिया हुआ है दूसरे साइड में। इसमें गाइस देख पा रहे हो तो इसमें देखिए डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है, और टीवी तो काफ़ी गाइस इसमें स्लिम दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके पहले जो मैंने टीवी मंगाया था एलजी का, वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ा था, लेकिन इतना स्लिम नहीं था। तो चलिए इसका एक्सेसरीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो इसका टेबल स्टैंड है गाइस, ये प्लास्टिक नहीं है, मेटल है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। जो मेरा एलजी का स्मार्ट टीवी है उसमें प्लास्टिक का दिया हुआ था, और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, तो इसको साइड रखते हैं। ये देखिए इसमें वॉल माउंट का पूरा सेटअप दिया हुआ है, ये आके इंजीनियर ये सेट करेंगे, लेकिन मैं इसको खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इसमें लगा हुआ है, क्या क्या मिलता है आपको। देखिए कुछ पता नहीं क्या है, वो ही आके बताएंगे। इसमें कुछ स्ट्रैप दिया हुआ है, 2 स्ट्रैप हैं, किस तरह से लगेगा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कल या परसों अगर आते हैं लगाते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा कि किस तरह से सेटअप होता है इसका। इसमें बहुत हैवी क्वालिटी का ये देखिए इसको दिया हुआ है, और इसका पूरा सेटअप है, तो इसको मैं रख देता हूँ, आके लगाएंगे। इसको साइड रखते हैं, और एक और बैग मिला है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये कार्ड मिल जाएगा आपको रेड क्लब का, जो कि वन प्लस का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे टीवी या कुछ भी, तो उस पर कार्ड जरूर मिलता है। इससे क्या होता है कि अगर इस रेड क्लब से आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है,
और एक बहुत बड़ा और मतलब बहुत मोटा सा आपको एक बुक मिलेगा। सारे इंस्ट्रक्शन और यूज़र गाइड सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे टीवी ऑपरेट करना है, कैसे सेट करना है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। और गाइस इसमें देखिए वारंटी कार्ड भी इसमें दिया हुआ है। इसमें पैनल का 24 मंथ है, वन प्लस टीवी का 12 मंथ है और टीवी रिमोट का भी 12 मंथ है। केवल पैनल यानी एलईडी का केवल 2 साल है और सबका 1-1 साल का है। तो इसको संभाल के रख लीजिएगा, भले आप पढ़िए या मत पढ़िए लेकिन इसको रख लीजिएगा और इसका बिल रख लीजिएगा आप। तो चलिए इसका रिमोट देखते हैं। रिमोट तो काफ़ी छोटा है गाइस, देखिए इसका रिमोट यही है, काफ़ी छोटा है, खूबसूरत भी है लेकिन उतना फंक्शन नहीं है जितना मेरे LG के टीवी में था, LG के स्मार्ट टीवी में काफ़ी छोटा है। इसमें केवल नेटफ्लिक्स का इसमें दिया है और प्राइम वीडियो दिया हुआ है और एक ओके गूगल का इसमें बटन दिया हुआ है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, इसमें नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कैसे चलेगा अभी उसको चला के भी देखेंगे। चलिए इसको साइड रखते हैं। इसमें एक लीड दिया हुआ है जो काफ़ी छोटा लेकिन है। ये पावर केबल है, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये भी मतलब हमको एवरेज लगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। कहीं अगर आपका स्विच बोर्ड कहीं दूर लगा हुआ है तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी छोटा है हमको जहाँ तक लग रहा है। चलिए इसको साइड रखते हैं। इसमें 4 स्क्रू दिए हुए हैं जो अभी मैं सेट करके आपको दिखाऊंगा स्टैंड। तो चलिए सेट कर लेते हैं और टीवी को ऑन करके इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे और वीडियो क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टैंड लगा लेते हैं, उसके बाद टीवी को इस पर खड़ा करेंगे। गाइस देखिए इसमें ये और बी उधर भी लिखा हुआ है, वैसे इसमें भी बनाया हुआ है ताकि आप खुद से इसको सेट कर सकते हैं। ये ए वाला पहले इसको लगा लेते हैं। इसको आप एक स्क्रू ड्राइवर स्टार मॉडल का चाहिए आपको, ये उल्टा है इधर से लगेगा। और 2 स्क्रू जो आपको दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा इस क्वालिटी है इसका स्क्रू का। अच्छे से इसको टाइट करिएगा, उतना आपका टीवी भी गिर सकता है और फूट भी जाएगा, तो इसको आप अच्छे से इसको कसिएगा। गाइस देखिए मेरा टीवी है और ये मैंने स्टैंड मोड पे इसको सेट कर दिया है और ये देख सकते हैं कितना बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये 50 इंच का टीवी है और काफ़ी बड़ा साइज है। 50 इंच बहुत बड़ा होता है। अभी तक मैं इस छोटी सी टीवी यूज कर रहा था, इसके सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। गाइस देखिए मैंने इसका सीट निकाल दिया है, आप इसका डिस्प्ले देख पा रहे हो तो कितना बड़ा डिस्प्ले है इसका। और एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गया था, इसका पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ नीचे दिया हुआ है जो कि लगभग हर टीवी में यहीं पे दिया होता है। यहाँ पे एक ही बटन दिया हुआ है और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो चलिए अभी इसको हम पावर केबल लगा के इसको ऑन करते हैं। वन प्लस फर्स्ट टाइम ये ऑन हो रहा है तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपडेट होता है। कोई भी चीज़ आप पहली बार जब ऑन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, या आपका फ़ोन है या कोई टीवी है या कोई पीसी या कुछ भी होता है। इसका रिमोट मेरे पास है, इसमें बैटरी लगी है, देखिए ये बैटरी लगा है। कोई जैन कंपनी का कोई इसमें बैटरी लग के आया हुआ है तो पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। इसमें रिमोट पेयर करने के लिए दे रहा, रिमोट पेयर हो गया है। और लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस देखिए इसमें लिखा हुआ है क्विकली सेट ऑफ योर टीवी विथ योर एंड्रॉयड फ़ोन, के आप अपने फ़ोन से आप अपने टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू पे ओके करते हैं हम। चलिए आप फ़ोन निकालिए और इसमें जो है टीवी को कनेक्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में स्मार्टफोन में एक ऐप जो गूगल का ऐप होता है उसको ओपन कर लेना है। उसमें जाके सर्च में आपको बस इतना कहना है ओके गूगल सेटअप माय डिवाइस। और चलिए अपने फ़ोन में पहले देखिए मैंने टाइप करके रखा हुआ है, इसको सर्च करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, सर्चिंग फॉर डिवाइस हो रहा है।
अभी थोड़ी देर में मेरा टीवी मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए वेरीफाई कर लीजिए आपका दोनों कोड सेम है WG0T8, उसमें भी टीवी में भी सेम कोड शो कर रहा है। तो चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया कनेक्टेड हो गया। गाइस मैंने देखिए यहाँ टर्न ऑफ है, इसको सबसे पहले टर्न ऑन कर लेते हैं आवाज़ को और इसको काटते हैं। और चलिए अपना अपने चैनल का कुछ हम लगा के इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपने लाइब्रेरी में जाते हैं, अपना कोई एक वीडियो चलाएंगे, दूसरे का चलाने तो कॉपीराइट आ जाएगा, यही दिक्कत है। तो क्लियरिटी तो बहुत अच्छी लग रही है इसके साइज के हिसाब से। यहाँ नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है लेकिन देख लेते हैं। फिर भी साउंड थोड़ा कम है, आपको अलग से चलिए इसका साउंड फुल करके एक बार चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसा है। क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, ये तो निकालने के लिए बहुत आसान है, ये तो निकाल के आप साफ कर सकते हैं। साउंड भी बहुत अच्छा है इसका, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी क्लियर है। लेकिन आपको अगर थिएटर वाली फील चाहिए तो आपको एक साउंड बार लेना पड़ेगा, उसमें ही आपको थिएटर वाली फील आएगी। चलिए ऐप्स खोलते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गाइस इसमें कैमरा दिया हुआ है, ये तो कैमरा मेरे टीवी में है ना, चलिए इसको खोलते हैं। नो कैमरा डिटेक्टेड, प्लीज़ कनेक्ट ए कैमरा। अच्छा तो गाइस ये शायद कैमरा पहले मैं अपने टीवी में लगा दूंगा, उसके बाद ये जो है टीवी वर्क करेगा। गूगल आज का मौसम कैसा है? There'll be isolated thunderstorms there today with a forecast high of 35 and a low of 27. तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है गूगल। गूगल हिंदी में बात करो। आप जो वीडियो देखते हैं मैं उनकी भाषा नहीं बदल सकती, हालांकि दूसरी जगहों पर भाषा बदलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अलीना फैशन शॉप कहाँ है? The address for Alina Fashion Shop is Pasia Lale, Lakshmipur Road 273162, Laling Pasia, Belwa Khurd, Uttar Pradesh 273162। तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है गाइस। ओके गूगल जो इसमें फंक्शन दिया हुआ है, ये न्यू ऑक्सीजन प्ले करके कुछ है, इसको ओपन करते हैं। गाइस ये भी एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका अमेजॉन प्राइम वीडियोस का है और हॉटस्टार, उसी तरह से ये भी एक नया कुछ शायद है या पुराना होगा, मैं तो पहली बार इसका देख रहा हूँ। तो अभी सब्सक्रिप्शन तो नहीं मेरे पास है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं मूवीज़ का, शोज़ का, कुछ भी व्हाट्सएप हाँ। तो चलिए गाइस इसमें व्हाट्सएप नहीं दिया हुआ है, तो मैं अपने टीवी में व्हाट्सएप डाउनलोड करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर खोलते हैं और इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं। व्हाट्सएप
देखिए गाइस व्हाट्सएप का आ गया है, व्हाट्सएप वेब इसमें चलेगा, व्हाट्सएप वेब चाहिए ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है और तब तक चलिए कुछ और फंक्शन देख लेते हैं इसमें, कुछ और ऐप इसमें गाइस, गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं गाइस। इसमें 2 GB का रैम दिया हुआ है तो उसी हिसाब से इसमें गेमिंग भी आप गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत हाई गेम है जैसे पबजी वगैरह वो सब इसमें नहीं चलेगा, और ये सारे ऐप इसमें नहीं चलते हैं, कुछ ऑप्टिमाइज ऐप इसमें चलते हैं जो टीवी के लिए ही बने होते हैं। गाइस इसके सेटिंग में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, चलिए सेटिंग ओपन करते हैं। इसमें वाईफाई आप देखिए, यहाँ से वाईफाई आपका किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करना है यहीं से कर सकते हैं आप। साउंड आपका दिया हुआ है, साउंड मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी भी यहीं से सेट होगी, आपका जो बैक लाइट कितना कम ज़्यादा रखना है, और पिक्चर मोड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आपका कलर ब्राइटनेस सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा आपका। एडवांस सेटिंग थोड़ा खोल के चेक करते हैं, जिसमें आपका HDR मोड दिया हुआ है, गामा पे आप जो है क्लिक करके इसको मीडियम हाई लो कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्या दिया हुआ है, पर्सनलाइज कुछ है इसको ओपन करते हैं। इसमें स्क्रीन सेवर दिया हुआ है, अगर आपका टीवी काफ़ी समय के लिए ऑन होता है तो इसको आप ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, इससे आपका टीवी खराब। और इसमें ऐप्स दिया हुआ, जो भी ऐप आपका टीवी में पड़ा हुआ है यहाँ से सब मैनेज कर सकते हैं आप, जो है उसको इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना जो भी आप। यहाँ पे देखिए अकाउंट दिया हुआ है, मेरा इसमें अकाउंट पड़ा हुआ है, आप 2-3 अकाउंट एक साथ इसमें चला सकते हैं। इसमें रिमोट एंड एसेसरीज के बारे में दिया हुआ है, एसेसरीज खोल लेते हैं, सर्चिंग फॉर एसेसरीज। इसमें आप कोई भी ब्लूटूथ का डिवाइस है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, अभी मेरे पास कोई ब्लूटूथ का डिवाइस यहाँ पास में नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूँ। मोर सेटिंग पे जाते हैं और कुछ और देखते हैं। इसमें आप देखिए टाइम दिया हुआ, डेट एंड टाइम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑटो मोड पे कर देता। तो चलिए गाइस देख लिया आपने सेटिंग में, यही सब था। तो गाइस यही था मेरे स्मार्ट टीवी का रिव्यू, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।